हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक टर्म्स के बारे में। साइंटिफिक टर्म जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और जो हमारी बच्चों की स्टडी में भी यूज़ की जाती हैं, उनका हमने बहुत बार पढ़ा इनका नाम, बट एक्चुअल मीनिंग उनका हमें आज तक नहीं पता है। ये हमारा नया वीडियो सेशन है जिसमें हम सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स पढ़ेंगे एंड हर वीडियो में 5 साइंटिफिक टर्म पढ़ेंगे जिसका मैं मीनिंग आपको डिटेल में समझाऊंगा और जो आपके और आपके बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आवर फर्स्ट टर्म दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, जीरो, समथिंग रिलेटेड टू जीरो। सो एब्सोल्यूट जीरो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? टेम्परेचर के लिए। तो एब्सोल्यूट जीरो हम किसे कहते हैं? इट इज़ लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है, हमारी दुनिया में सबसे कम टेम्परेचर जितना हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर हम मेजर किस में करते हैं? केल्विन में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, फारेनहाइट में करते हैं। अब कोई पूछ ले आपसे कि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है 0 केल्विन। केल्विन में कितनी होती है? 0। एंड डिग्री सेल्सियस में कितनी होती है? -273 डिग्री सेल्सियस। इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। सेकंड है हमारा अबेंडेंट। अबेंडेंट ये एक कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में भी यूज होता है, हिंदी में भी यूज होता है, वोकैब्स में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसको। तो अबेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? अबेंडेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, यानी एनीथिंग या एनी मेटल नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं? अबेंडेंट। इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, अवेलेबल इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। सो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अबेंडेंट। जैसे अर्थ पे क्या सबसे ज्यादा मौजूद है? इन गैसेस नाइट्रोजन एटमोसफियर में। इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में क्या है? सिलिका इज इन वेरी लार्ज अमाउंट। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? अबेंडेंट, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रजेंट है। थर्ड है हमारा एसिलरेशन। एसिलरेशन भी आपने बहुत बार सुना होगा, मोस्टली किस में यूज़ किया जाता है? स्पीड से रिलेटेड यूज़ किया जाता है। सो एसिलरेशन क्या होता है? जैसे हम रेस बढ़ाते हैं तो कहते हैं ना भाई एसिलरेट, दबाओ। तो एसिलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई जो वेलोसिटी है हमारी उसमें क्या चेंज हो रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इन ए पार्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड एसेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक वेलोसिटी टर्म है और एक स्पीड भी होती है। वेलोसिटी और टर्म भी दो अलग अलग टर्म है। तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस पता है आपको? अगर नहीं पता तो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एसेलरेशन। एसेलरेशन को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस नाम, किस में मेजर करते हैं? यूनिट इसकी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। एंड नेक्स्ट टर्म हमारी अडियर। अडियर क्या होता है? अडियर होता है कोई भी चीज़, जैसे मान लो हमने एक पेपर लिया, उसको हम किसी पर चिपकाएं, वो आधा अधूरा चिपक जाता है, तो हम अडियर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो पूरी तरह कम्प्लीटली चिपक जाता है, जैसे फेव स्टिक की तरह, तो ऐसी कोई भी चीज़ विच स्टिक कम्प्लीटली, स्टिक कम्प्लीटली, पूरी तरह से अच्छी तरह से वो चिपक जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अडहियर। क्या बोलते हैं? अडहियर। नेक्स्ट है हमारा एसिड। एसिड बेस तो आपने काफ़ी सुना होगा। एसिड किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करने पर क्या, कौन सा आयन रिलीज कर देता है? H पॉजिटिव, यानी
मॉलिक्यूल विच गिव हाइड्रोजन आयन, यानी कोई डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन या फिर जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है, उस क्रम को हम क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। सो एसिड का एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, एक जैसे HCl है, ठीक है। HCl जब डिसोसिएट होता है तो किस में डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहते हैं। और इसकी फिजिकली हम कैसे पहचान करते हैं, श्योर होता है टेस्ट में, कैसा होता है, खट्टा होता है। सो दीज आर द 5 टर्म्स वी डिस्कस टूडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। See you in the next video.